बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेडिंग डाल दीजिए और मेरी तरफ देखिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस वजह से इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं टू दी पॉइंट बात बताऊं तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक बताया हुआ है कि बिजली बनती किस तरह से। एक दिन क्लास हुई थी मेरे ख्याल से जिसमें पानी से तो बनती है, मतलब मैंने उसमें बताया था कि बिजली बनाने का बुनियादी तौर पे जो मेथड होता है वो क्या होता है। तुम लोग जल्दी बैठ जाओ यार, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, जल्दी बैठो और सुकून के साथ सामने देखो। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है ना, ये बताओ, इस पर तफसीली लेक्चर दे चुका हूं ना मेरे ख्याल से मैं। इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन मुझे याद है, पीछे मैंने किसी चैप्टर में दी थी बुनियाद, वो उस दिन दी थी जिस दिन गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा था। बिजली बनाने के लिए बुनियादी तौर पर कितनी चीजें चाहिए होती हैं? दो। अभी सिर्फ सुनते रहना, पूरा फैराडेज लॉ ना यूं करके क्लियर हो जाएगा। ये है वो लॉ, कोई आपसे पूछे ना कि बताओ बिजली किस लॉ के ऊपर बनी, किस लॉ की बुनियाद पर बिजली बनाई गई, तो वो यही वाला लॉ है। तो अब फैराडे लॉ क्या कहता है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं, पहले बिजली बनाने के ऊपर आ जाते हैं। देखो बिजली बनती कैसे, कोई कहता है पानी से बनती है, कोई कहता है इससे बनती है, उससे बनती है, सब झूठ बोलते हैं। बिजली बनती है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से। बिजली बनती है सिर्फ कितनी चीजों से? दो चीजों से। एक आपके पास होता है मैग्नेट, जिसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। एक होता है मैग्नेट, जिसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, और एक होता है आर्मेचर कह लें, या आप इसको कॉइल कह लें, ठीक है ना, आर्मेचर कह लें या एक कॉइल कह लें, एक आर्मेचर या एक कॉइल। एक मैग्नेट है, पोल, मैग्नेटिक पोल्स इस तरह से होते हैं, ये मैग्नेट आ गया होर्सशू लाइक, ठीक है, और बीच में क्या कहते हैं, क्या है, कॉइल है, आर्मेचर है। अब ये आर्मेचर अगर घूमना शुरू कर दे, अगर ये आर्मेचर घूमना शुरू कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी सिर्फ फोकस कीजिएगा ये, अच्छा क्योंकि इसमें मैं पहले बात कर चुका हूं तो इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा मैं। यानी ये कानून है, कुदरती कानून है, अल्लाह ताला ने ये नेचर रखी है इन मटेरियल के अंदर, कानून है, कानून कुदरत है ये, कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये आपको करंट टर्न बोले तभी ईएमएफ क्यों बोल दिया, ईएमएफ पढ़े लिखे लफ्जों में कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा देखो ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। असल में करंट कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का जगह चल, इलेक्ट्रॉन अगर चल जाए ना, इलेक्ट्रॉन अगर चल जाए उसको करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रो मोटिव, मोटिव का मतलब होता है मोशन, इलेक्ट्रो मोटिव, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाली फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाली फोर्स, तो इसको इस वजह से कहते हैं ईएमएफ, शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ बोलते हैं, लॉन्ग वे में आप इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ईएमएफ उसके अंदर पैदा हो जाता है, ईएमएफ का मतलब यह कि वोल्टेज पैदा हो जाता है। अब यहां पर ना एक बहुत बहुत मेन पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। आज का लेक्चर थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर की बेस बनाने जा रहा हूं तो थोड़ा सा इसको मैं लंबा करूंगा। What is the difference between current and voltage? आप इसको बता सकता है कि करंट में और वोल्टेज में फर्क क्या है? करंट कौन करता है? करंट क्रॉस करता है, अच्छा कॉस करता है, करंट कॉस करता है किसको? वोल्टेज को। और कुछ? माशाल्लाह मत बोलो, गलत जवाब दियो। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को करंट कहते हैं, कदर, हाँ बहुत करीब करीब है। देखो मैं एक बात बताऊं, नॉर्मल हमारी जो लाइफ है, हम जैसे एक गुजारते हैं ना, हमारे नजदीक करंट और वोल्टेज एक ही चीज है नॉर्मल लाइफ में। योर करंट नहीं आ रहा, वोल्टेज कम है, वोल्टेज, यानी अगर मैं बोलूं ना ये करंट या वोल्टेज, आप डिफरेंस कर नहीं पाएंगे। आपके मतलब करंट की भी बात हो रही है ना तो कुछ बिजली बिजली हो रहा है, मतलब करंट भी बोलूंगा ना तो फीलिंग जो आएगी ना वो बिजली वाली आएगी, ऐसे ही ना बिल्कुल। मैं अगर लेवल पे जाके आपके हिसाब से समझाऊं, और अगर मैं वोल्टेज की बात करूं ना तो भी आपके नजदीक जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो किसका बनेगा? बिजली का ही बनेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात ये कि अगर मैं चाहूं ये मेरे जो कपड़े हैं इनमें से करंट फ्लो कर जाए, क्या कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, नहीं कर सकता। आप एक साइड पे कपड़ा हो, एक इधर करंट लगा दे, उधर हाथ लगाए, करंट नहीं लगेगा आपको। क्या इस लकड़ी है, जो लकड़ी है इस लकड़ी से करंट फ्लो कर जाएगा? नहीं। आप कहेंगे सर वेट, बात सुने, हम छोटी क्लास में पढ़ के आए,
दो तरह के होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता है, कंडक्टर में से करंट पास होता है। पढ़ा है ना भाई? अच्छा मैं इधर देखते रहे ना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी। अब आप कहेंगे हाँ जी कंडक्टर इंसुलेटर में पढ़ गया है, अब कंडक्टर में और इंसुलेटर में बुनियादी फर्क क्या होता है? आप जो छोटी क्लास में पढ़ गया है ना कि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर जो है वो करंट पास कर देता है, कंडक्टर करंट पास कर देता है, इंसुलेटर करंट पास नहीं करता है, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। बुनियादी तौर पे कंडक्टर में इंसुलेटर में फर्क होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर केमिस्ट्री आ रही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता क्या है कि अगर सपोज करें मेरे पास एक वायर है, सपोज करें एक वायर है, तो कोई भी चीज जो होती है ना वो बनी हुई एटम की है, वो चाहे मेरे कपड़े हो चाहे आपका सर हो, ठीक है, कोई भी चीज है वो बनी हुई किसकी है, एटम की बनी हुई है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस तरह से ना दो कैटेगरी बन जाती है सब्सटेंस की, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह जाते हैं, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सबने बॉन्ड बना लिया होता है। जब सबने बॉन्ड बना लिया होता है तो कोई भी फ्री नहीं होता। जब कोई फ्री नहीं होता तो याद रखिएगा मूवमेंट हमेशा फ्री चीज की होती है। अब यहां पर अगर सारे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया हुआ है और मैं पीछे से कोई फोर्स लगा भी दूं, जस्ट इमेजिन कोई भी फोर्स है, जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, मूव करें, तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बनाया हुआ है, लगाते रहो फोर्स सानू की, कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं तो बिजली आएगी नहीं, और ये तमाम इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। अब इंसुलेटर पे आप 5000 वोल्ट की बैटरी भी लगा दो ना, 5000 वोल्ट की भी बैटरी लगा दो इंसुलेटर में, इंसुलेटर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो क्या कर सके, मूव कर सके। अच्छा ये इंसुलेटर में, लेकिन अगर बात की जाए कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, जिन्होंने क्या नहीं बनाया होता, बॉन्ड नहीं बनाया होता। बेटा लेक्चर के दरमियान मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, अभी मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आपके पास तवज्जो इधर को, तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब हर एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर बिलफर्ज ये फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब ये एक तार है, इमेजिन कर लीजिए मैं अभी मेन लाइन जाके कट कर दूं, यहां से मेन लाइन मैं कट कर देता हूं, तो मैं अगर मेन लाइन कट कर दूं तो यहां पर क्या अंदर से सारे तार गायब हो जाएंगे? आप कहेंगे नहीं यार, तार तो अंदर रहेंगे, भाई क्या बात कर रहे हैं आप, तार अंदर रहेंगे मतलब तार मौजूद हैं, करंट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जहां जहां जो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो वहीं रुक गए, बिजली जाने का मतलब ये होता है। बिजली जाने का मतलब ये कि पीछे से जो धक्का आ रहा है ना, पीछे से जो धक्का आ रहा है वो आना खत्म हो गया है। ये जो धक्का लगता है ना पीछे से, इसको बिल्कुल भी मैं बच्चों की तरह बाजारी अंदाज, बाजारी लैंग्वेज उस तरह पढ़ा रहा हूं मैं चीज टॉपिक को, जो आपके पास ये पीछे से धक्का लग रहा है ना, जिस धक्के की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस धक्के को बुनियादी तौर पे हम वोल्टेज कहते हैं। सुनते रहे ना, इस लेवल पे जाके बेस क्लियर करूंगा ना, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। इसको वोल्टेज कहते हैं, यानी आपने कोई भी चीज मूव करनी, मुझे ठेला मूव करना है तो ठेले को मैं मूव देख के तो कर नहीं सकता, ठेले को अगर मुझे मूव करना है तो मुझे हर सूरत में क्या लगाना पड़ेगी, फोर्स। तो मैंने वो जो धक्का लगाया यानी फोर्स लगाई, दिस इज वोल्टेज। एंड इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि ठेला इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कहा जाता है करंट। तो यहां से मैंने एक बच्चों वाली बेस क्लियर कर दी, इसी वजह से छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या द मोशन द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो करंट आ गया। अब हर पिछला इलेक्ट्रॉन अगले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वोल्टेज सप्लायर है, समझिएगा मेरी बात को। बैटरी जाके हर इलेक्ट्रॉन पर थोड़ी चढ़ रही है धक्का लगाने के लिए, ये पूरे के पूरे वायर, ये तो वायर के साइड पे लगा दिया आपने जस्ट वोल्टेज, यानी बैटरी, बैटरी ने धक्का लगाया पहले इलेक्ट्रॉन को, यानी लाइन से सपोज करो सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैं बैटरी हूं, तो मैं जो पुश करूंगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को करूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने तीसरे इलेक्ट्रॉन को पुश किया। अब हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, दिस इज करंट, और ये जो इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, दिस इज वोल्टेज। यही वजह है कि मेन लाइन से जितनी दूरी बढ़ती रहती है करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज क्या होता रहता है, कम होता रहता है। आप यही आप नोट कर लीजिएगा कि मेन लाइन से अगर आप दूर चले जाएं बहुत ज्यादा, तो वहां पे वोल्टेज क्या आ रहा होता है, कम आ रहा होता है। क्यों वोल्टेज कम आ रहा है, क्योंकि वहां से धक्का स्टार्ट हुआ है, तो हल्की हल्की धक्की का जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है, तो यानी कि वोल्टेज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
तो अब एक तो चीज, अभी इतनी सारी बातों में आपको एक चीज तो समझ में आ गई इस भाई, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का चलना है ना, ये करंट है, और इस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जो पोटेंशियल लग रही है, धक्का यानी पुश लग रहा है, दिस इज वोल्टेज। अब देखो कोई भी धक्का, मैं एक फनी बात याद आई मुझे, हम लोग छोटे में ना, अल्लाह माफ करे, मतलब छोटे में जाए नाबालिग के हालत में कोई भी गुना गुना नहीं होता, उसमें हम लोग करते थे हरकत मस्जिद में, तुम लोगों ने भी की होगी या देखी तो होगी, हम लोग तरावी पढ़ रहे होते थे। अब हम लोग क्या करते थे, दो बदतमीजियां करते थे, एक बदतमीजी होती थी हम लोग रुकू का वेट करते थे, रुकू का वेट इस सेंस में कि ना, अब वो तरावी में वो लगे हुए होते थे इतनी लंबी लंबी, अब हम खड़े अगर अल्लाह ऊपर कर दी तो हम लोग अब अल्लाह ऊपर करेंगे, अब अल्लाह ऊपर करेंगे, टांगे दर्द कर रही होती, तो हम लोग क्या करते थे, सारे बच्चे ना पीछे बैठ जाते थे, बचपन की बात कर रहा हूँ, बड़े में अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। तो अब वो जो है ना, क्या कहते हैं, हम खड़े रहते थे, अब उसमें क्या होता था कि वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जैसे वो ऐसे अब वो अक्सर कुरागी होते थे वो रहमान, जैसे वो उसमें है ना कि स्लो में, हम समझ जाते थे इनका एंड हो रहा है, तो रुको में थे अल्लाह अकबर, और अच्छा हाँ ये भी होता है वो प्रैंक कर जाते हैं कभी कभी, वो आगे अगले आयत शुरू कर देते हैं। अच्छा उसमें हम लोग क्या करते थे, पिछले सब में हम लोग ऐसे खड़े होते थे और खड़े हो गए, यकीन करें किया है, और शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा, किया भी होगा बचपन में। अब इधर से हमने तो एक धक्का मार दिया, अब वो क्योंकि सारे तरावी में सुन करके खड़े में, अब सारे के सारे सुन करके खड़े में, अब जिसने पहला धक्का मारा है, कभी अब हम खुद चाहते हम खुद भी गिर जाते थे, अब एक ने धक्का दूसरे को मारा, अब दूसरा करके ऐसे खड़ा हुआ है, उसको लगा तीसरा, पूरी सब लाइन से गिरते हुए जा रही है, किया है ये बारह लड़ा माफ करे, तो अब उसमें पूरी लाइन से सब गिर गई है और हम खुद भी गिर गए, कौन कर रहा है कौन कर रहा है। तो ये नौ में तो फिर जो है ना एक होता था ये, तो ये भी एक लिहाज से देखे ना, आपने अगले को पुश किया, उसने अगले को पुश किया, इस तरह से, तो मेन वोल्टेज सप्लायर कोई तो है, ये अभी इस वक्त पे वोल्टेज मेन सप्लायर, सुनते रहो, हाँ वो शरारती बच्चा है कि जिसने पहला धक्का लगाया। अब हमारे घर में, ये हमारा जो घर है बुनियादी तौर पर, हमारे घर में जो बिजली आती है वो आती है पीएमटी से, पीएमटी मैंने पहले भी बता चुका हूं, पीएमटी स्टैंड फॉर पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, पोल पे चढ़ा हुआ, पोल पे रखा हुआ ट्रांसफार्मर, पोल पे रखा हुआ, बाहर मालिक में पीएमटी नहीं बोलते, बाहर मालिक में सिर्फ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो पीएमटी पोल पे रखा हुआ ट्रांसफार्मर, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। अब आपके पास जो घर में बिजली आती है वो आती है पीएमटी से, ऐसा ही गलत तो नहीं बोल रहा, अगर बिलफर्ज पीएमटी से लाइट चली जाए, अब ये है पीएमटी, ये गेम देखिएगा, ये पीएमटी है, पीएमटी से निकल रहे हैं तीन फेसेस, वो आपके घरों में घुस रहे हैं, पीएमटी एक्चुअली वोल्टेज सप्लायर है, वो पुश कर रही है इलेक्ट्रॉन को अपने एंगल से, और यहां से जितने भी घरों में इसने यहां पे जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन तो उनको धक्का मारा, इन इलेक्ट्रॉन ने अगले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा और ये आपके घर तक बिजली आ गई। लेकिन पीएमटी भी के भी बाप का राज नहीं है, पीएमटी अपने घर में बिजली नहीं बना रही, पीएमटी को भी बिजली जो आ रही है वो कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है, वो जो पीएमटी, तवज्जो रखिएगा मुझ पे, जो पीएमटी है उस पीएमटी को जो बिजली मिल रही है वो मिल रही है बुनियादी तौर पे पावर हाउस से, हर एरिया का कोई ना कोई पावर हाउस होता है, मुझे नहीं पता गुलिस्तान जौहर का पावर हाउस कहां पर है वैसे, अच्छा लेकिन पावर हाउस आपने देखा होगा, पावर हाउस से बड़ी बड़ी हाई, कभी रात में पापा वगैरह के साथ कार पर जाओगे ना, हाई टेंशन के वायर में आवाज तक आ रही होती है इनफैक्ट, तो आपके पास वो जो है ना बुनियादी तौर पर जो बिजली आ रही होती है पीएमटी को, वो कहां से आ रही होती है, पावर हाउस, यानी गुलिस्तान जौहर का एक पावर हाउस होगा, गुलशन इकबाल का एक पावर हाउस होगा, जौहर का हर एरिया, अब वो पावर हाउस पूरे मोहल्ले में पूरे एरिया में जितनी पीएमटी हैं उन सबको धक्का, मैं वापस उसी लाइन में जा रहा हूं, धक्का प्रोवाइड कर रहा है। अब वो पीएमटी इसने पावर से, पीएमटी ने पीछे से इससे पावर ली, पीएमटी से हमारे घर ने पावर ली, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ये पावर यहां पे मौजूद है, अब इमेजिन करो कि पावर हाउस, आपको क्या लगता है जो पावर हाउस है उसके अंदर बिजली बन रही है, पावर हाउस के अंदर भी बिजली नहीं बनती, पावर हाउस क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े हाई टेंशन के खंबे चल रहे होते हैं ना, ये हाई टेंशन के खंबे अगर आपके घर में उतार दिए जाए ना तो आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास हाई टेंशन में इतना वोल्टेज है ना कि अगर आपको दिया जाए तो आप लकड़ी का लकड़ी मेरे ख्याल से राख बन के खत्म होंगे आप, 11,000 वोल्ट होता है इसमें और आपके घर में 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट की अगर कभी ताकत चेक करनी हो ना उंगली करके देख लेना, खत्म, उसके बाद टाटा बाय बाय फिनिश, बढ़ जाएंगे आप, ठीक है ना, 220 वोल्ट की बात कर रहा हूं, इट्स अ मैटर ऑफ 220 वोल्ट, तो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन द 220 वोल्ट एंड 11,000 वोल्ट, वो 11,000 वोल्ट है, ठीक है। अब भाई इधर देखो,
अब ये 11,000 हुआ। अच्छा ये जो हाई टेंशन है ये आ रहा है बुनियादी तौर पर कराची में, जैसे है कैनप, कैनप इस तरह से और कौन सा यार, कराची गेट स्टेशन है, इस तरह से 4-5 होंगे मिसाल के तौर पे। तो जो आपके पास मेन पावर स्टेशन है जहां पे बिजली क्या की जा रही है, बनाई जा रही है, ये वहां से आ रहा है। अच्छा मेन पावर हाउस में बिजली बन रही होती है, वो नाव में तो वे फर्नेस ऑयल से बनाते हैं या डैम से बनाते हैं, अब इनको मसला है। ठीक है, अब इधर से जरा सुनिएगा, अगर इमेजिन करें एक दफा हुआ भी था कराची में कि कैनप वगैरह में बिजली खराब हो गई थी, पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आधे से ज्यादा पाकिस्तान में अचानक से बिजली चली गई थी, शायद आपको याद हो। हुआ क्या, मेन पावर हाउस में प्रॉब्लम आ गई। मेन पावर हाउस में जब प्रॉब्लम आ गई तो यहां से धक्का मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। अभी सुनिएगा, ऐसी नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी ना अभी आपको, जहां से धक्का मिलना बंद हो गया। जब यहां से धक्का मिलना बंद हो गया तो क्या सारे तार गायब हो गए ना, जहां तार हैं वहीं तार हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो थे ना उन्होंने चलना क्या कर दिया, बंद, क्योंकि पीछे से धक्का बंद, जब चलना बंद करंट बंद, जैसी करंट बंद सारी चीजें खत्म। अच्छा अब आप क्या करते हैं, क्योंकि पीएमटी को भी लाइन बंद हो गई है। अच्छा जो लोड शेडिंग होती है उसमें क्या करते हैं, लोड शेडिंग में हरकतें यहां से होती है पावर हाउस से, मेन पावर चल रही होती है, ये भी पावर हाउस वाले आपका आपकी पीएमटी का कनेक्शन बंद कर देते हैं। तो जब वो पीएमटी का कनेक्शन बंद कर देते हैं तो पीएमटी में धक्का पीछे से मिलना शुरू, बंद हुआ। अब आप क्या जुगाड़ करते हैं, अब आप जरा देखिएगा, ये आपका होम है, ये आपका घर है, ठीक है ना। अब आपके घर में ये आपके पास सपोज कर लीजिए वायरिंग हुई हुई है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने चलना है, और ये आपके पास मेन लाइन से कटआउट मिला हुआ है, पीएमटी से धक्का मिल रहा था, पूरे घर में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे, लाइट भी चल रही है, फैन भी चल रही है, टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, सही है। अचानक से पीएमटी में लाइन आना बंद हुई, यहां से बिजली बंद हो गई। जैसे यहां से बिजली बंद हुई तो पीछे से धक्का आना बंद हो गया। जैसे पीछे से धक्का आना बंद हुआ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो घर में थे जिस वायर में, वो वहीं रुक गए, घर की बिजली चली गई। अब हम क्या करते हैं, बीच में एक और जुगाड़ मारते हैं और हम स्टार्ट कर देते हैं अपने घर में कौन, जनरेटर या यूपीएस, अभी यूपीएस को छोड़ें, जनरेटर मेन टॉपिक में आऊंगा मैं, तो जनरेटर हम अपने घर में स्टार्ट कर देते हैं जनरेटर। अब सुनो, जनरेटर स्टार्ट करते हैं। अब जनरेटर स्टार्ट करने से पहले बॉयज को पता होगा, गर्ल्स मेरे ख्याल से घर पे काम नहीं करती होंगी, सबसे पहले बताओ जनरेटर का कनेक्शन जब घर में करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, मेन स्विच बंद करते हैं। अतः कि आप मेन स्विच ना भी बंद करो तो भी आपका घर शायद चलना शुरू हो जाए, जनरेटर वो करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। मेन लाइन क्यों बंद करते हैं, कि अल्लाह ना करे, सुनो अल्लाह ना करे, अगर आपने ये मेन लाइन बंद करने का मतलब है कि आपने इसका कनेक्शन खत्म किया, पीएमटी से अपना रब्ता खत्म कर दिया, आपने ये मेन पावर हाउस वाली हरकत जो है ना एक छोटे से जनरेटर के जरिए अपने घर में शुरू कर दी, ये छोटा जनरेटर और ये पूरे शहर का सबसे बड़ा जनरेटर, बस ये फर्क है, बताता हूं भी आगे। अब ये आपने अपने घर में जनरेटर स्टार्ट कर दिया, अब ये जो जनरेटर है वो धक्का इलेक्ट्रॉन का जो कहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था, अब वो धक्का इलेक्ट्रॉन का कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन दोबारा पूरे घर में चलना शुरू हो गए, घर में बिजली आ गई। अगर आप ये मेन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके जनरेटर का धक्का कहां जाना शुरू हो जाएगा, बाहर, और वो इलेक्ट्रॉन का धक्का इतना फिर कम हो जाएगा कि आपके घर में प्रॉपर सप्लाई नहीं आएगी। और सपोज करें कि पीएमटी से भी स्टार्ट हो गया यानी लाइट आ गई, तो इधर के इलेक्ट्रॉन उधर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, शॉर्ट सर्किट और प्रोग्राम बढ़ जाएगा, समझ आ गए बात। अच्छा अब इन तमाम की चीज में, इन तमाम चीजों के बीच में एक जहन में सवाल आना चाहिए, अब मुझे नहीं पता ये आ रहा है नहीं आ रहा है, सवाल जो आना चाहिए वो ये कि भैया ये जो पहला धक्का है, ये पहला धक्का है, ये शुरू हो कैसे रहा है, द मेन थिंग इज पहला धक्का स्टार्ट करना, दूसरे धक्के की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि दूसरे धक्के का वजूद पहले धक्के से है, आखिरी वाले धक्के की कोई हैसियत नहीं है, आखिरी वाले धक्के का वजूद उससे पहले वाले धक्के की वजह से, मेन चीज क्या है, पहला धक्का। अब जरा सुनना, ये जो पहला धक्का है ना इसको प्रोड्यूस करने का तरीकेकार फैराडेज लॉ है, इस पहले धक्के को प्रोड्यूस करने का तरीकेकार क्या है, फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे ने क्या बताया, देखो फैराडे कहता है कि भाई अगर एक, इधर देखो समझो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी क्वाइल को क्या करवा दो, रोटेट करवा दो, तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ मतलब वोल्टेज आ जाएगा, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, तब उसके साथ जिस भी चीज को कनेक्ट करोगे वो भी क्या करना शुरू हो जाएगी, मूव। इसी तरह आपका जनरेटर बनता है,
इसी तरह आपका क्या बनता है, जनरेटर। आप अपने घर में जनरेटर उठा के देख लीजिएगा, निकालेंगे अगर तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बीच में क्या मूव कर रहा है, कॉइल। ये तो मैंने आपकी बेस बनाई। अब इसको अगर हम पढ़े लिखे लफ्जों में बोलें तो पता है क्या बोलेंगे, फैराडेज लॉ कहता है, सुनो, फैराडेज लॉ कहता है अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए। अब ये लैंग्वेज आगे पढ़ी लिखी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वो भाई ये जो मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो गुजर रही हैं, अगर इसके ऊपर एरिया चेंज किया जाए, लाइंस का एरिया से टकराव फ्लक्स कहलाता है। लाइंस का एरिया से टकराव फ्लक्स कहलाता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। लाइंस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। तो अगर हम इसमें मैग्नेटिक इसको मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, चेंज। फैराडेज लॉ कहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करें, चेंज, तो ईएमएफ आ जाता है। अब इसकी इंग्लिश जरा सुनो, फैराडेज लॉ स्टेट्स दैट, फैराडेज लॉ स्टेट्स दैट ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल। तवज्जो रखिएगा मुझ पे, ईएमएफ विल इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, आ जाना, ठीक है ना। ईएमएफ विल इंड्यूस, फोकस इधर करो, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। ये बात क्लियर हो गई, अगला सुनो, ये बात क्लियर हो गई, मैग्नेटिक ईएमएफ विल इंड्यूस, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ईएमएफ, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज करूं तो ईएमएफ क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज करूं तो ईएमएफ भी क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा, कम। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। यहां पे माइनस लगाते हैं, हमेशा माइनस लगाते हैं लेंजेज लॉ की वजह से। अब लेंजेज लॉ क्या है, लड़कियों वाली हरकत है, लेंजेज लॉ लड़कियों वाली हरकत, मैं बताता हूं, किसी हाल में सुकून नहीं है, ठीक है, तुम्हारे दिल से निकली वजह से, किसी हाल में सुकून नहीं, बताता हूं इसको तफसील से, बताता हूं लेंजेज लॉ में पढ़ाऊंगा गंदे अंदाज में, इधर आ जाओ। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगले स्टेप में बन जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, यहां जो कांस्टेंट लगता है ना प्रोपोर्शनलिटी में, वो एन लगता है, एन कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, और ये आपके पास फैराडेज लॉ की डेरिवेशन हो गई। इसके अंदर जो माइनस आया वो लेंजेज लॉ की वजह से आया। लेंजेज लॉ मैं आपको बताऊंगा, लेंजेज लॉ पता है क्या है, जब पढ़ाऊंगा तो वैसे हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लड़कियों की एक हरकत होती है, किसी हाल में सुकून नहीं होता। आप अगर बोलफॉर्म उनसे फ्री होंगे ना, वो बोलेंगे बात सुनो ज्यादा फ्री नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है, आप जो है, अगर आप रूड होंगे, हाउ रूड, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। आप रूड भी नहीं हो सकते ज्यादा भाई, आप फ्रेंक भी नहीं हो सकते, तो बंदा करे तो क्या करे। सेम, बिल्कुल सेम हरकत, सेम हरकत इस कॉइल की होती है। ये पढ़ाऊंगा मैं लेंजेज लॉ में, लेकिन फैराडेज लॉ में पहले लेंजेज लॉ, बस इतना बता दूं कि रिएक्शन उल्टा होता है हमेशा। रिएक्शन, लड़की अगर कह रही है ना मैं सही हूं तो समझ जाओ वो सही नहीं है, समझ आ रही बात। अगर लड़की कह रही है मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, इसका मतलब यही है कि वो फाइन नहीं है भाई, मनाना है उसको, ठीक है, ये लड़की का मसला होता है बहुत बड़ा। तो अब इधर देखो, तू हमारा मरेगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, इधर देख। अब आपके पास यहां पे ये आपके पास फैराडेज लॉ की जरा स्टेटमेंट लिख लो, पहले लिखो इट स्टेट दैट, अरे मेरा बेटा मेरी दुआ है तेरी 50 बीवियां खुश हो जा, क्या फर्क पड़ता है बेटा, लिखो इट स्टेट दैट, बेटा फैराडेज लॉ की हेडिंग डाल दी, इसके अंदर लिखो इट स्टेट दैट, बस दो मिनट की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट, अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखो ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ विल इंड्यूस, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल इफ वी चेंज, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल इफ वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल इफ वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। फुल स्टॉप डाल के पैराग्राफ बना के लिखो, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन इट, लिखिए
मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। उसके बाद पैराग्राफ बना के लिखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Mathematically, करके जल्दी से दो लाइनें लिख लो नीचे में, मैथमेटिकली करके ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली करके ये दोनों लिखो, मैथमेटिकली करके ये दोनों लिखो जल्दी से, मैथमेटिकली ये दोनों लाइनें लिख ली, यहां तक लिख लिया। इसके नीचे लिखो वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, टी यू आर एन एस वाला टर्न जो होता है ना, टर्न्स, यहां तक लिख लिया। इसके नीचे लिखो वेयर एन इज एन कैपिटल एन इन्वर्टेड कॉमास में एन नंबर वाला, where n is number of turns in the coil and negative sign arises, where n is number of turns in the coil, where n is number of turns in the coil and negative sign arises due to Lenz's law. Faraday's law का टॉपिक खत्म हो गया, Lenz's law की हेडिंग डाल दो। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? Lenz's law। अल्लाह हाफिज़।